हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीडीएसएल क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। इन माय लास्ट वीडियो एंड पीडीएफ यू हैव सीन दैट द प्लांट्स रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, बट द फ्लावरिंग प्लांट्स रिप्रोड्यूस विथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स बी सी दैट वाट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, सेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन डिस्टेंस द रिप्रोडक्शन इन विच टू सेक्सेस इन्वॉल्व एंड गैमेट आल्सो इन्वॉल्व दैट अंडर गो फ्यूजन दैट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन टू फॉर्म zygote that develops to give new one. This is called as sexual production. Means what? Aisa reproduction jisme sex organ ka involvement hota hai, jiske तहत gametes male और female gamete क्या करते हैं, fuse होते हैं, जिसे हम बोलते हैं fertilization. The process of fusion of मेल एंड फीमेल गैमिट्स इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। ओके, जिसमें क्या होते हैं आपके मेल एंड फीमेल गैमिट क्या करते हैं, जिसमें मेल एंड फीमेल गैमिट क्या करते हैं, फ्यूज होते हैं और क्या बनाते हैं, जायगोट। इसमें क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इसे हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं, निषेचन। मींस व्हाट, मेल और फीमेल गैमेट का आपस में फ्यूज हो जाना, मिल जाना और जायगोट का बनना क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। So overall you can say that in sexual reproduction there is a requirement of male and female partner over male and female sex organs that produces male and female gamete whose fuse to form zygote. This is called as sexual reproduction. So dear students, you can say that in sexual reproduction formation of gamete through meiosis and fusion of gamete takes place. तो हम क्या बोल सकते हैं students? हम बोल सकते हैं कि sexual reproduction में क्या होता है, दो process होता है। पहला होता है formation of gamete, formation of gamete किसके द्वारा, मियोसिस के द्वारा, मियोसिस। दूसरा क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, मेल एंड फीमेल गैमेट। ओके, सो इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉर्मेशन ऑफ गैमिट थ्रू मियोसिस एंड फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट टेक्स प्लेस। ओके, दिस प्रोसेस इज नॉट इंक्लूडेड इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऐसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कुछ नहीं होता था। आपने देखा वहां पर एक सिंगल पेरेंट ही क्या करता था, अपने सेल को डिवीजन करके, डिवाइड करके, डॉटर सेल को दे करके
रिप्रोडक्शन करता था और वही डाटा सेट डेवलप होकर के क्या करता था, न्यूज ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता था। ओके, सो लेट्स बी सी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर। डियर स्टूडेंट्स, आई वॉन्ट टू टेल यू दैट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट इज प्रेजेंट ओनली इन फ्लोरिंग प्लांट्स। मीन्स ओवरऑल यू कैन से दैट द फ्लोरिंग प्लांट्स रिप्रेजेंट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिकॉज ऑफ द फ्लावर्स आर द फ्लावर्स ऑफ द प्लांट कंटेंस सेक्स ऑर्गन्स। ओके, प्लांट के जो फ्लावर होते हैं वो क्या करते हैं, उनके पास क्या होता है, सेक्स ऑर्गन होता है। ओके, इफ सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर, ओके, इफ सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फ्लावर्स, क्या है सेक्स ऑर्गन कहाँ है, डिफरेंट फ्लावर्स पे हैं, दे कॉल्ड एज यूनि सेक्सुअल फ्लावर। क्या कहलाता है वो, यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहलाता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं एक लिंगी पुष्प, एक लिंगी पुष्प। ओके, इफ बोथ सेक्स ऑर्गन्स आर ऑन सेम फ्लावर, मतलब यदि दोनों सेक्स ऑर्गन क्या हो, एक ही फ्लावर पर हो, दैट फ्लावर इज कॉल्ड एज बाई सेक्सुअल फ्लावर। क्या कहलाता है, बाई सेक्सुअल फ्लावर, दैट इज इन हिंदी कॉल्ड एज द्विलिंगी पुष्प। द्विलिंगी पुष्प, ओके। सो आप ये कह सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वही प्लांट देते हैं जिसमें क्या होते हैं, फ्लावर पाए जाते हैं। मीन्स फ्लावरिंग प्लांट रिप्रेजेंट सेक्सुअल प्रोडक्शन एंड दीज फ्लावर्स कंटेन सेक्सेस, मीन्स सेक्स ऑर्गन्स। इफ सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स, देन दैट टाइप ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड एज यूनि सेक्सुअल फ्लावर। एंड इफ बोथ सेक्सेस और सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन सेम फ्लावर, दैट इज कॉल्ड एज बाई सेक्सुअल फ्लावर, द्विलिंगी पुष्प। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई वांट टेल यू दैट अ फ्लावर इज डिवाइडेड इंटू फॉलोइंग फोर पार्ट्स। किसी एक फ्लावर को हम ज्यादा से ज्यादा फोर पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, वो कौन कौन से हैं अभी हम देखते हैं। नंबर वन, सेपल। क्या है, सेपल। नंबर टू, पेटल। ओके, नंबर वन हमारा क्या है, सेपल है। नंबर टू हमारा क्या है, पेटल है। नंबर थर्ड हमारा है स्टामिन एंड नंबर फोर आपका हमारा है कार्पेल। नंबर थर्ड इज स्टामिन एंड नंबर फोर इज कार्पेल। ओके, सो अ फ्लावर इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग फोर पार्ट्स। नंबर वन इज सेपल, पेटल, स्टामिन एंड कार्पेल्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, सेपल इज आल्सो कॉल्ड एज कैलिक्स। क्या कहलाता है, कैलिक्स। एंड पेटल इज आल्सो कॉल्ड एज करोला, कॉल्ड एज
करोला. ओके लेट्स बी सी दैट व्हाट आर सेपल्स. इट इज रेंड्स द सेपल ऑफ द फ्लावर इज जस्ट लाइक लीफ एंड ग्रीन कलर. इट मे बी डिफरेंट कलर इन डिफरेंट फ्लावर्स बट इन मोस्ट ऑफ फ्लावर्स इट इज ग्रीन कलर. सो सेपल और कैलिक्स इज अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर दैट प्रोटेक्ट द बर्ड्स इन इनिशियल स्टेज. वार दैट प्रोटेक्ट द फ्लावर इन इनिशियल स्टेज एंड यू नो दैट द इनिशियल स्टेज ऑफ द फ्लावर इज अ बर्ड. तो हमारा जो सेपल है ये क्या करता है, लीफ जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है और ग्रीन कलर का होता है. ये क्या करता है, फ्लावर के इनिशियल स्टेज मीन्स जब ये बर्ड में के रूप में होता है तो उसकी क्या करता है, ये प्रोटेक्शन करता है, रक्षा करता है और क्या कहलाता है हमारा, कैलिक्स कहलाता है. ओके नेक्स्ट इज अ पेटल. स्टूडेंट्स पेटल्स आर कलर्ड पार्ट ऑफ द फ्लावर. दे आर द कलर पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड दे अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स फॉर द पॉलिनेशन. तो ये क्या होते हैं, एक कलर्ड पार्ट होते हैं, कलर होते हैं और क्या करते हैं, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं. अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन. ओके तो हमारे जो पेटल वार करोला होते हैं कैसे होते हैं, कलर्ड होते हैं और ये अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट्स को, कीड़े मकोड़ों को पॉलिनेशन के लिए. ओके नेक्स्ट इज स्टामेन. डिजेंट्स स्टामेन्स आर द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर. स्टामेन्स आर द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड इट इज कंसिस्ट बाई फॉलोइंग पार्ट्स एंथर फिलामेंट एंड फॉलोइंग टू पार्ट्स एंथर एंड फिलामेंट. ओके सो आप कह सकते हैं कि हमारा जो स्टामेन होता है क्या होता है, मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर होता है, मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर. ओके स्टामेन्स आर द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर्स एंड दे गिव दीज आर कंज्यूम बाई फॉलोइंग टू पार्ट्स. नंबर वन कौन सा है, स्टामेन, सॉरी नेक्स्ट हमारा क्या है, एंथर एंड फिलामेंट. ओके इट इज कंज्यूम बाई फॉलोइंग टू पार्ट्स. नंबर वन इज एंथर एंड फिलामेंट. ओके स्टामेन्स आर कंसिस्ट बाय फॉलोइंग टू पार्ट्स एंथर एंड फिलामेंट. एंथर क्या है, एंथर इज अ स्वेलन पार्ट ऑफ द स्टामेन दैट हैव पॉलन सैक व्हिच रिलीजेज पॉलन ग्रेन्स. ये क्या होता है, स्टामेन का स्वेलन पार्ट होता है. ओके ये क्या होता है, स्टामेन का स्वेलन पार्ट होता है जिसमें क्या पाए जाते हैं, पॉलन पॉलन सैक जो क्या रिलीज करता है, पॉलन ग्रेन. ओके तो एंथर क्या है, एंथर हमारा स्टामेन का पार्ट है जो कैसा होता है, स्वेलन होता है, फूला फूला टाइप होता है. इसमें क्या पाए जाते हैं, पॉलन सैक पाए जाते हैं जिसमें क्या पाया जाता है, पॉलन ग्रेन पराग कण. क्या पाया जाता है, पराग कण. एंड यू नो दैट पॉलन ग्रेन्स आर
येलो इन कलर, ओके, एंड अ मेल गैमिट ऑफ द फ्लावर। ये क्या होते हैं, फ्लावर के मेल गैमिट होते हैं। एंड नेक्स्ट आर द फिलामेंट, डियर स्टूडेंट्स, फिलामेंट्स आर द स्टाल्क दैट कनेक्ट द स्टामेन एंड एंथर। ये क्या होते हैं, स्टाल्क होते हैं, इट इज अ स्टाल्क एंड कनेक्ट टू द स्टामेन टू एंथर। ओके, फिलामेंट्स आर द स्टाल्क दैट कनेक्ट स्टामेन टू एंथर। ओके, ये स्टाल्क होते हैं डंडी जैसे, जो क्या करते हैं आपके एंथर को फिलामेंट से क्या करते हैं, जोड़े रखते हैं। अंडरस्टूड। नेक्स्ट आर दी कार्पेल्स, डिजेंट्स, कार्पेल्स आर दी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। ये क्या होते हैं, फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, दीज आर दी फीमेल रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओके, दीज आर दी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड इट इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द फ्लावर। ये कहाँ पाए जाते हैं, फ्लावर के सेंटर में पाए जाते हैं। एंड आर कंसिस्ट बाई फॉलोइंग थ्री पार्ट्स। कितने पार्ट बने होते हैं, थ्री पार्ट्स। नंबर वन, इट इज कंसिस्ट बाई फॉलोइंग थ्री पार्ट्स, नंबर वन स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओके, कार्पेल्स आर कंसिस्ट बाई स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओके, डिस्टेंस, स्टिग्मा इज ए पार्ट ऑफ कार्पेल दैट रिसीव्स द पॉलन ग्रेन। ये क्या करता है, रिसीव करता है पॉलन ग्रेन को। ओके, इट इज ए पार्ट ऑफ कार्पेल दैट रिसीव्स द पॉलन ग्रेन। एंड स्टाइल इज अ मिडिल पार्ट ऑफ द स्टिग्मा एंड ओवरी, मीन्स ओवरऑल कंसिडर दैट स्टाइल कनेक्ट द स्टिग्मा एंड ओवरी। ओके, इट कनेक्ट द स्टिग्मा एंड ओवरी, इट इज अ जस्ट स्टार लाइक बॉडी। नेक्स्ट इज अ ओवरी, डिस्टेंस, ओवरी इज अ स्वेलन पार्ट ऑफ द कार्पेल्स दैट हैव फीमेल दैट हैव फीमेल गैमीट एंड इट कंटेन ओब्यूल्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंड दिस ओवरी कन्वर्ट इंटू फ्रूट। ये बाद में क्या होता है, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस इज द पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। ओके, इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल टीच यू अबाउट पॉलिनेशन एंड इट्स टाइप एज वेल एज फर्टिलाइजेशन। सो आई होप दैट ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दैट व्हाट आर द यूनिसेलुलर बाइसेलुलर फ्लावर्स एंड हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।